हेलो भाइयों, स्वागत है आप सबका। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं WPL में जो मुकाबला खेला गया यहाँ पर यूपी वर्सेस मुंबई के बीच में, इस मैच के बारे में वीडियो में हम लोग अपनी ग्रैंड लीग टीम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस मैच में भी ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग में आपको फर्स्ट प्राइज 1.5 करोड़ रुपया देखने को मिल जाएगा। और हमारा पूरा जो ध्यान रहेगा ना, जो पूरा फोकस रहेगा, इस 1.5 करोड़ रुपये के ऊपर ही रहेगा कि कैसे हम लोग अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाएं, जो कि भाई इस 1.5 करोड़ रुपये वाले कॉन्टेस्ट में हमारा जो रैंक है वो 100 के अंदर आ जाए और हम लोग ढेर सारा पैसा दोस्तों कमा पाए। दोस्तों, इस मैच के लिए मैं आपको ग्रैंड लीग का परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा, जैसे कि दोस्तों मैंने अभी तक हर एक मैच में WPL के परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बताया हुआ है, और इस मैच के लिए भी ग्रैंड लीग का परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बताने वाला हूँ आप लोगों को। और इस स्मॉल लीग के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर बताऊंगा, जो कि आपको 4 मेंबर में एक तरफा क्लीन स्वीप करा के देगा, जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने कल क्लीन स्वीप किया, एक तरफा क्लीन स्वीप किया। कोई भी नहीं लेके आया था भाई जिमी को, लेकिन मैं लेके आया था, सबने सैफ अली को लाया था, मैंने जिमी को लाया था और उसने 101+ पॉइंट देके गई थी और एक तरफा हम लोगों ने क्लीन स्वीप किया था। तो दोस्तों, इस मैच में भी हम लोग क्लीन स्वीप करने वाले, और ग्रैंड लीग में तो हम लोग दोस्तों हर मैच में टॉप के रैंक ला रहे। और अभी तक दोस्तों WPL की इस सीरीज हम लोगों ने 4 मिनी ग्रैंड लीग विन कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को यूपी और मुंबई की तरफ से कौन कौन सा प्लेयर फ्लॉप होने वाला है आपको मैं फ्लॉप प्लेयर भी बताऊंगा, उनको आप लोग अपने ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि आपकी टीम काफी अच्छी परफॉर्म करे और आप ढेर सारा पैसा आप लोग दोस्तों इस मैच में कमा पाओ। दोस्तों, छोटी सी वीडियो है, 10 से 12 मिनट की वीडियो ना, पूरी आप लोग देख लोगे ना तो सब कुछ समझ जाओगे। एक एक प्लेयर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। और अगर दोस्तों आप लोगों को स्मॉल लीग में पैसा कमाना है, ग्रैंड लीग में पैसा कमाना है, तो थोड़ा तो समय निकालिएगा यार, आपको तो पैसा कमाना तो थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा। तो भाई रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियो को पूरा देख लेना, शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, सब कुछ आप समझ जाओगे दोस्तों, ठीक है। बाकी इस मैच की जो हमारी टीम रहेगी, बनी बनाई टीम, टॉस होने के बाद हम लोग 4 ग्रैंड लीग की और 1 स्मॉल लीग की टीम हम लोग अपने टेलीग्राम पर चैनल पर दे देते हैं फ्री में, कोई चीज़ का पैसा नहीं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लेना। भाई अभी तक हम लोगों ने WPL का हर एक मैच में स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप किया हो 4 मेंबर की, हम लोग 3 मेंबर की टीम नहीं देते, 4 मेंबर की टीम देते, एक तरफा क्लीन स्वीप कर रहे और ग्रैंड लीग की तो क्या ही हमारी टीम बन रही है, ठीक है। तो आप भी जाइएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। भाई जितने भाई लोग हमारे साथ जुड़े सभी पैसा कमा रहे, आप भी जुड़िए, आप भी पैसा कमा सकते दोस्तों इस मैच में, और ये मैच सुपर जैकपॉट होने वाला है। बाकी भाई आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 50 लाइक का टारगेट रखा है मेरे भाई, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो जब आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है यार, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। भाई रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, रिसेंट फॉर्म की बात करोगे ना, यहाँ पर आप देखोगे तो यूपी लास्ट का मुकाबला हार के आ रही है, वहीं पर मुंबई भी लास्ट का मुकाबला यहाँ पर हार के आ रही है, तो दोनों टीम लास्ट के मुकाबले हार के आ रही है। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू चेंज हो चुका है दोस्तों, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से अब आ गया है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस पिच रहने वाली है दोस्तों, और स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिलता है। बाकी यहाँ पर दोस्तों वेदर सनी रहने वाला, बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं यहाँ पर दोस्तों। और लास्ट के 5 T20 की रिकॉर्ड्स की बात करें तो जितने भी मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं ना, जो भी टीम पहले बैटिंग करती है 82 रन बना ही देती है। यहाँ पर टोटल विकेट अभी तक इस 5 T20 में गिरे हैं यहाँ पर दोस्तों 84, जिसमें से यहाँ पर पेसर्स ने 38 विकेट निकाला और स्पिनर्स ने 46 विकेट निकाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बना के लेके जाना पड़ेगा, स्पिनर्स को भी और फास्ट बॉलर को भी। हेड टू हेड देख लेते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेड टू हेड में दोनों टीमों के बीच में अभी तक 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से यहाँ पर दोस्तों यूपी ने 2 मुकाबले को विन किया हुआ है और यहाँ पर MI ने 2 मैच को विन किया हुआ है, ठीक है। तो दो दो मैच को दोनों ही टीमों ने विन किया हुआ है, तो रिसेंट फॉर्म दोनों का खराब है, और लेकिन हेड टू हेड में दोनों टीम एक एक बराबर खड़ी हुई है। सीधा चलते हैं दोस्तों हम लोग विकेट कीपर सेक्शन में, वहीं से भी हम लोग की टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना मेरे भाई, तो यार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, 50 लाइक का टारगेट रखा है यार, ज़्यादा नहीं। बाकी टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ही आपको इस मैच की ग्रैंड लीग की विनिंग टीम मिलेगी, 4 मेंबर की स्मॉल लीग की विनिंग टीम मिलेगी, फिर में कोई चीज़ का पैसा नहीं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। विकेट कीपर सेक्शन में यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मेरे भाई एलिसा हेली की, 91% सेलेक्शन है, 227 पॉइंट अभी तक दे चुकी है। यूपी पहले बैटिंग करे तो मस्ट पिक है, इंपॉर्टेंट है, रख सकते हो। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा रिस्की है, हालांकि अगर आप यूपी को जिता रहे हो तो सेकेंड इनिंग में भाई आप यूपी की तरफ से अगर यहाँ पर बैटिंग करेगी एलिसा हेली को भी आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो, लेकिन भाई फर्स्ट इनिंग में ये चलने वाली है। वहीं पर बात करेंगे वाई भाटिया को, तो 90% सिलेक्शन है, 264 पॉइंट दे चुकी है, इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है दोस्तों। इस मैच में बल्ले से अपना रन बना सकती है दोस्तों, ठीक है। दोनों का दोस्तों 90% सिलेक्शन है, दोनों में से किसी एक ही विकेट कीपर आपको ड्रीम टीम में जगह बनाते हुए दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर क्या सकते हो, आपको मैं एक सोल्यूशन बता देता हूँ दोस्तों। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, ग्रैंड लीग अगर आपको जीतना है तो दोस्तों एक टीम से आप नहीं जीत पाओगे, कम से कम आपको 3 से 4 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो आपको कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, देखो यहाँ पर एक टीम में एलिसा हेली को लेके जाओ, यहाँ पर एक टीम में वाई भाटिया को लेके जाओ, दोनों ड्रीम टीम में आना बहुत ही कम चांस है, 99.99% चांस है कि भाई दोनों ही प्लेयर ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक ही विकेट कीपर ड्रीम टीम में आएगा। तो दोस्तों आपको एक टीम में एलिसा हेली को लेके जाना है, एक टीम में वाई भाटिया को लेके जाना है, ठीक है। स्मॉल लीग की टीम रहे तो दोनों को लेके चले जाओ, ठीक है, दोनों को लेके चले जाना, कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए मैं यहां से वाई भाटिया को लेके जाने वाला हूं अपनी टीम में। बैटिंग सेक्शन में यहां पर बात करेंगे तो हरमनप्रीत कौर पिछले मैच में खेली थी, उतना कुछ खास कर नहीं पाई थी,
56% सिलेक्शन है, 192 पॉइंट अभी तक दे चुकी है। मुंबई अगर पहले बैटिंग करे तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, सेकंड इनिंग में उतना कुछ खास कर नहीं पाती है, अच्छी खासी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करके आपको दे सकती है, तो इसको भी हम लोग अपनी टीम में फिलहाल अपनी टीम में पिक करने वाले हैं। किपिन आर्मी की बात करें तो यहाँ पर 72% सिलेक्शन, 198 पॉइंट अभी तक ये दे चुकी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाली है फर्स्ट इनिंग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि दोस्तों फर्स्ट इनिंग में इसकी बैटिंग आ जाएगी, सेकंड इनिंग में पता नहीं भाई इसकी बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो कितना बॉल रहेगा, कितना रन रहेगा बनाने के लिए, तो उतना कुछ खास इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग केपी नारगो को भी लेके जाएंगे फर्स्ट इनिंग में, समझ के कि यूपी पहले बैटिंग कर रही थी, इसके लिए हम लोग केपी को भी अपने टीम में लेके जाने वाले हैं। एक ओवर की बात करें तो 9% सिलेक्शन है, 80 पॉइंट दिया, एमआई पहले बैटिंग करेगी तो एक टीम में ग्रैंडी के ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज भी फ्लॉप प्लेयर है, आराम से ड्रॉप करके चल सकते हो मेरे भाई। एच काजी की बात करें तो फ्लॉप प्लेयर है दोस्तों, फ्लॉप प्लेयर है। वहीं पर बात करेंगे एस सरावत की, तो यहाँ पर मेरे भाई 13% सिलेक्शन है, 118 पॉइंट दे चुकी है, यूपी पहले बैटिंग करें मेरे भाई, एक टीम में ग्रैंड लीग की जरूर ट्राई कर लेना, 3 से 4 अगर टीम आप लोग ग्रैंड लीग की बना रहे हो, अदरवाइज इसको भी ड्रॉप करके जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने हरमनप्रीत कौर को रखा है और केपी नारगो को रखा हुआ है। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मेरे भाई यूपी वुमेंस की तरफ से, ग्रेस हैरिस की 96% सिलेक्शन है, 330 पॉइंट दे चुकी है, इंपॉर्टेंट रहने वाली मेरे भाई, वन डाउन बैटिंग करने के लिए भी आ सकती है, अच्छी पिक रहने वाली है इस मैच के लिए, बैटिंग प्लस बॉलिंग से भी आपको उम्मीद कर सकते हो, अच्छी खासी पिक है, आराम से लेके जाओ अपने टीम में। हेलो मैथ्यूज की बात करो, मेरे कल वाले मैच में भाई कैप्टन दिए ग्रैंड लीग की, 91% सिलेक्शन है, 220 पॉइंट दे चुकी है, पिछले मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग किया था और हमारी ग्रैंड लीग में काफ़ी अच्छी रैंक इन्होंने ला के दिया था, हेलो मैथ्यूज को भी लेके जाएंगे। एनसुअर ब्राउन की बात करें 91% सिलेक्शन है, 264 पॉइंट दे चुकी है, पिछले मैच में फ्लॉप हो चुकी है, बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हो दोस्तों आप लोग, बॉलिंग से भी उम्मीद कर सकते हो, दोनों से उम्मीद करके जाना, ज्यादातर आप लोग बैटिंग से उम्मीद कर सकते हो, एमआई पहले बैटिंग करेगी तो इसको भी आप लोग सीबीसी ट्राई कर सकते हो दोस्तों। एमएलए खेल की बात करें तो 92% सिलेक्शन है, 413 पॉइंट अभी तक दे चुकी है, पूरे 4 ओवर बॉलिंग कराती है, बैटिंग से कम उम्मीद करना, बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद कर लेना क्योंकि पूरे 4 ओवर बॉलिंग कराने वाली है, अगर एमआई पहले बैटिंग करती है इसकी बैटिंग आ ही जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से एमएलए खेल को भी हम लोग अपनी टीम में लेके जाने वाले हैं। सी अटाबडो की बात करें तो 56% सिलेक्शन, 71 पॉइंट दे चुकी है अभी तक, उतना अच्छा खासा अभी तक इसने परफॉर्म नहीं कर पाई है जितना इसका भाई रिकॉर्ड्स है। ठीक है, 2 डाउन बैटिंग करने के लिए आएगी, प्लस 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेगी, रिस्क ले तो इसको भी वीसी अपनी टीम का ट्राई कर सकते हो दोस्तों, अगर यूपी पहले बॉलिंग करेगी तो यहाँ से सी अटाबडो को भी हमको लेके जाना पड़ेगा। दीप्ति शर्मा की बात करें तो 78% सिलेक्शन, 237 पॉइंट अभी तक दे चुकी है, यूपी पहले बॉलिंग करेगी तो आराम से इसको वीसी ट्राई कर लेना, कैप्टन बनाने की जरूरत नहीं दोस्तों, कैप्टन वाली परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, ज्यादा ज्यादा वीसी की परफॉर्मेंस दे पाएगी, 2 से 3 विकेट आपको निकाल के दे सकती है। ठीक है, दीप्ति शर्मा को भी हम लोग अपनी टीम में लेके जाने, तो हम जितने भी ऑलराउंडर है सभी को रख लेना क्योंकि भाई लड़कियों के गेम में ऑलराउंडर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, बॉलिंग नहीं तो बैटिंग से आपको पॉइंट देके चले जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में आ गए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे मेरे भाई सोफिया स्केलेटन का, 92% सिलेक्शन है, 229 पॉइंट दे चुकी है, यूपी अगर पहले बॉलिंग करी आराम से इसको कैप्टन वाइस कैप्टन फिर से ट्राई कर सकते हो, हालांकि मैं बोलूंगा कि भाई इसने कैप्टन वाइस कैप्टन पारी पहले से ही अपना परफॉर्मेंस दे चुकी है। ठीक है, इसको मैंने भाई सीबीसी बना के देख लिया, अच्छी खासी हमारी रैंक आ गई थी, मिनी ग्रैंड लीग इसने भाई विन करा दिया था मेरे को। ठीक है, एक मैच में हाजिर प्लेयर तो अपने को लेके जाना ही पड़ेगा। एस इस्माइल की बात करें तो पिछले मैच में भाई इसने एक विकेट निकाला था, 44% सिलेक्शन, अभी तक 177 पॉइंट दे चुकी है, यूपी पहले बॉलिंग करेगी तो इंपॉर्टेंट पिक है, छोड़ के जा ही नहीं सकते मेरे भाई, पावर प्ले में बॉलिंग करेगी, डेथ में बॉलिंग करने वाली है। बाकी आर गायकवाड़ की बात करें तो यूपी अगर पहले बॉलिंग करेगी तो ट्राई कर सकते हो, 18% सिलेक्शन, 126 पॉइंट दे चुकी है, इंपॉर्टेंट रहेगी फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है, 2 से 3 ओवर आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएगी। ठीक है, पूजा वस्त्रकर की बात करें तो पिछले मैच में एक विकेट निकाला था और बैटिंग से भी ठीक ठाक पॉइंट दे दी थी इन्होंने, 38% सिलेक्शन, 167 पॉइंट अभी तक दे चुकी है, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, 3 से 4 ओवर अभी ये भी आपको करते हुए दिख जाएगी, एमआई पहले बॉलिंग करेगी तो आराम से इसको अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। ऐसे जाकर की बात करें तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर रह सकती है दोस्तों, एमआई अगर पहले बॉलिंग करेगी 9% सिलेक्शन, 104 पॉइंट अभी तक ये दे चुकी है, इंपॉर्टेंट रहेगी फर्स्ट इनिंग में, ट्रम्प कार्ड के रूप में आप इसको स्मॉल लीग में भी लेके आ सकते हो दोस्तों, फर्स्ट इनिंग में अगर यहाँ पर मुंबई बॉलिंग करेगी तो। यूपी की तरफ से एस सरावत की बात करें तो फ्लॉप प्लेयर है दोस्तों, पिछले साल इन्होंने काफ़ी गजब की परफॉर्मेंस दिया था लेकिन भाई इस साल पता नहीं क्या हो गया इन लड़कियों को, कोई चली नहीं है। एस ठाकुर की बात करें तो भी फ्लॉप प्लेयर है दोस्तों, आराम से अपनी टीम से ड्रॉप कर दो, आपकी टीम खराब कर देगी, यहाँ से हम लोग रखेंगे एस स्माइल को दोस्तों, हमारी टीम बन गई है एमआई के फेवर में, टीम बनाया हुआ है। सीबीसी की बात करें तो मेरे भाई मैं यहां से सीबीसी बनाने वाला हूं, यहां पर मैं बनाऊंगा ग्रेस हैरिस को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने वाला हूं मेरे भाई यहां से मैं एनसुअर ब्राउन को। ठीक है, अब हमारी टीम बन गई है, मैं आपको यहां पर टीम का अपना स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। तो दोस्तों मेरा टीम का प्रीव्यू है जिसमें मैंने यहाँ पर एक विकेट कीपर को रखा हुआ है, 2 बैट्समैन को रखा हुआ है, 6 ऑलराउंडर के साथ में मैं गया हूँ दोस्तों, और यहाँ पर मैंने 2 बॉलर को रखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर भाई एस स्माइल की जगह पे पूजा वस्त्रकर के साथ में भी जा सकते हो, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर एस स्माइल को रखा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं और आपको सीबीसी बता देता हूँ कि इसको आपको कब ट्राई करना है। ठीक है, हेलो मैथ्यूज को अभी ट्राई नहीं करना क्योंकि उसने पिछले मैच में कैप्टन वाली पारी खेल चुकी है। ठीक है, खेलेगी लेकिन कैप्टन वाली पारी नहीं खेल पाएगी। ठीक है, पिछले मैच में खेल चुकी है। यहाँ से दोस्तों आपको नजर रखना है सियाटा पटू के ऊपर और यहाँ से आपको नजर रखना है एमिला खेर के ऊपर। एमिला खेर को वीसी
सी तभी ट्राई कर लेना जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से सी ऑटोपोटो को भी ट्राई कर सकते हो भाई, पहले बॉलिंग करेगी इसकी टीम तभी, ठीक है। टू डाउन बैटिंग करने के लिए आएगी, अभी तक इसने परफॉर्म नहीं किया हुआ है। नज़र रखो, टॉप क्वालिटी की बैट्समैन है, टॉप क्वालिटी की बॉलर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, श्रीलंका की प्लेयर है, अच्छी प्लेयर है, इसको भी आप लोग सी वी सी ट्राई कर सकते हो मेरे भाई। बाकी यहाँ पर एस इस्माइल को फर्स्ट इनिंग में वी सी एक मैच में एक टीम में ट्राई कर लेना, हालांकि इन्होंने वी सी वाला परफॉर्मेंस पहले ही दे चुका है 3 विकेट निकाल के, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 विकेट निकालेंगे या 2 विकेट निकालेंगे, सी वी सी नहीं बनने वाली है, ठीक है मेरे भाई। बाकी टीम का स्ट्रक्चर है, फाइनल टीम मेरे भाई आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टॉस होने के बाद बनी बनी टीम मिलेगी आपको वहाँ पर, 4 ग्रैंड लीग की टीम मिलेगी और 1 स्मॉल लीग की टीम मिलेगी, ठीक है, फ्री में, कोई चीज़ का पैसा नहीं। जाओ डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर बहुत भाई लोग जुड़े और बहुत लोग पैसा कमा रहे, आप भी जुड़ो, आप भी पैसा कमा सकते हो दोस्तों इस मैच में। और हमारी टीम काफ़ी शानदार जा रही है फिलहाल WPL में, चाहे स्मॉल लीग की हो चाहे ग्रैंड लीग की हो, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमारे को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, हमारा हौसला बढ़ जाता है, बोलते बोलते गला सूख जाता है, लेकिन यार क्या करें, बहुत ही ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं। चैनल हमारा भले छोटा है भाई, 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर वाला है, आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा एक दिन हमारा भी 10-12-20 हज़ार सब्सक्राइबर वाला चैनल बन जाएगा। तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में।